everyone, I am Manju Sharma and welcome to our channel Science E-Solution. Students, आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे who are watching my video for the first time. तो उनको मैं ये पूछना चाहूंगी, is your preparation smart enough to crack the NEET this year? ध्यान से सोचिएगा, because जो NEET है वो केवल hard work, haphazardly of different topics. ये नहीं, एक smart strategical work in a particular direction मांगता है. So, हमारी हर वीडियो में ये कोशिश रहती है कि आपको स्मार्ट वर्क करवाया जाए. कई वीडियोस में हमने चैप्टर्स के स्मार्ट वर्क करवाए हैं, जिसमें वो सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस 5 इयर्स उस चैप्टर के आ चुके हैं हमने करवाया है. एंड ऑल्सो वी फोकस ऑन हाई वेटेज टॉपिक्स, ताकि सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम आपको हमारे वीडियो के द्वारा कवर कराएं, वो भी बहुत कम समय में. राइट, हम बहुत ज्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे बहुत कम समय में. देयरफॉर डेफिनेटली सब्सक्राइब ऑन टू आवर चैनल, सो दैट बहुत कम समय में एक स्मार्ट स्ट्रेटजी आप भी तैयार कर सके अपने एग्जाम्स में अटेम्प्ट करने के लिए. राइट, सो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज टॉपिक्स, बिकॉज पिछले 10 सालों में इस चैप्टर से 5 क्वेश्चन आ चुके हैं. हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिकॉज पहले हम एक्सप्लेन करेंगे इस टॉपिक को, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करवाएंगे एंड एट द लास्ट वी विल टेल यू द 5 क्वेश्चंस. ठीक है, वो 5 क्वेश्चन जो पिछले 10 साल इस टॉपिक के आ चुके हैं हम लास्ट में कहेंगे. तो हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है. That it is a technique to separate the different DNA fragments based on their sizes. इस टेक्निक से हमें जो different DNA fragments मिलते हैं, ये जो टॉपिक है it is from biotechnology chapter. तो biotechnology में सबसे पहले हम जो DNA fragment में desired gene रहता है we cut it out with the help of restriction enzymes. अब काटने के बाद which is our desired DNA fragment वो हमें पता कैसे चलेगा आफ्टर डूइंग दिस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. राइट, तो इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की सहायता से हम सेपरेट करते हैं अलग अलग डीएनए फ्रेगमेंट्स को, और उस सेपरेशन का बेसिस रहता है बेस्ड ऑन देयर साइजेस. ठीक है, अब साइजेस मतलब जितना छोटा साइज का रहेगा वो इतना ही आगे मूव करेगा. बिकॉज हम इसमें यूज करते हैं एगरोस जेल. The gel used here is agarose gel. अब ये जो agarose gel, इसको अगर हम microscopic level से देखें तो it has got small sieves, छन्नी के जैसा होता है. जैसे चाय छन्नी में हम जब चाय छानते हैं तो जो liquid particle होता है वो नीचे आ जाते हैं, और जो बड़े चाय पत्ती के molecules होते हैं they stay behind, they lag behind. Similarly, यहाँ पे भी जो बड़े DNA के fragments होते हैं they lag behind and the small DNA segments वो उतना ही आगे मिलते हैं इस जेल में. ठीक है, सो द जेल हैज द सीविंग इफेक्ट एंड द सेपरेशन हियर इट इज बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ द चार्ज मॉलिक्यूल्स इन जेल मीडियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड. अब ये जो सेपरेशन है वो आपको पता चलेगा जब हम इसका जो मेथड है हम पूरा उसको एक्सप्लेन करेंगे. तो देखते हैं इसमें जो सेपरेशन होता है वो कैसे होता है. तो सबसे पहले इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए हम क्या लेते हैं, एक कास्टिंग ट्रे. दिस वन इज द कास्टिंग ट्रे. इस ट्रे के अंदर हम डालेंगे एगरोस जेल. राइट, एगरोस जेल इट मेक्स द मीडियम जेली. ठीक है, अब इस जेल में बिकॉज इट हैज द सीविंग इफेक्ट फॉर द डीएनए मॉलिक्यूल्स, डीएनए का जितना छोटा फ्रेगमेंट होगा इस जेल में उतनी आगे तक मूव करेगा, जितना बड़ा फ्रेगमेंट होगा वो उतने ही पीछे रहेगा. ठीक है, सो द जेल फर्स्ट इज कास्टिंग ट्री, सेकेंड वन इज द जेल. अब इस जेल में हम थोड़ा सा बफर भी मिलाएंगे सो दैट इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. अब इस ट्रे को हमने एक तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड और एक तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करके उसको पावर सप्लाई देना है. ठीक है, अब इसके कास्ट इस ट्रे के जो लास्ट में है इसमें विल बी हैविंग सैंपल वेल्स. ये जो वेल है उसको हम कॉम्ब के द्वारा, एक कंघी के द्वारा हम बनाएंगे सो दैट द वेल्स आर एट डिस्टिंक्ट पोजीशंस. ठीक है, अब इस वेल में
हमने क्या पोर करना है, क्या डालना है, डीएनए फ्रेगमेंट्स हम डालेंगे विच विल बी स्टेन, थोड़ा सा स्टेन डालेंगे बिकॉज डीएनए दिखता नहीं है, अगर हम थोड़ा सा स्टेन कर लेंगे उसको तो जेल में उसकी मूवमेंट हमें थोड़ी सी पकड़ में आएगी कि वो कितने आगे तक जा रहे हैं, ठीक है। तो द डीएनए विथ द स्टेन वी विल पोर इन दीज वेल्स इन द कास्टिंग ट्रे एंड द ट्रे इज ऑल्सो हैविंग एग्रोस जेल, ठीक है। अब डीएनए को यहाँ पोर करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो पावर सप्लाई है इसे हम ऑन कर देंगे। अब जैसे ही ये पावर सप्लाई ऑन होता है, ठीक, द डीएनए एज दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड, ओके, वी विल पोर इन दिस साइड नियर द नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड दे विल हैव अ टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड दैट इज एनोड, ठीक। तो यहां से जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं दे विल स्टार्ट मूविंग इन द ट्रे, जेल में बफर की सहायता से वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बिकॉज यहाँ हमने इसे करंट से जोड़ा है, सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दिस डीएनए फ्रेगमेंट्स स्टार्ट मूविंग, और जैसे ही वो स्टेन हमें टुवर्ड्स द टर्मिनल धीरे धीरे आता हुआ पता चलेगा, वैसे ही हम ये क्या करेंगे, पावर सप्लाई जो है इसे हम ऑफ कर देंगे। नाउ एज सून एज वी स्विच ऑफ द पावर सप्लाई, राइट, द डीएनए स्टॉप्स मूविंग, उसके बाद हमें क्या करना है, अब जो डीएनए है वो मूव नहीं कर रहा है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि जो डीएनए है वो दिखेगा नहीं जेल में, ठीक, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, वी विल पोर इथीडियम ब्रोमाइड इन द, रिमेम्बर दिस, इथीडियम ब्रोमाइड, हम इथीडियम ब्रोमाइड डालेंगे इस एग्रोस जेल में। ये इथीडियम ब्रोमाइड डालने से क्या होता है, दैट इथीडियम ब्रोमाइड it binds very easily to the DNA molecule, बहुत easily ये DNA molecule के साथ bind करता है, इसीलिए इसको आप जरूर ध्यान से देखिए नाम, because ये जो है ethidium bromide के questions कई बार हमने NEET के exams में देखे हैं, ठीक है। So हम इस gel में ethidium bromide डालेंगे because it easily binds with DNA, और उसके बाद जैसे हम ultraviolet light देके इस tray में देखेंगे then we can see the separated DNA fragments, जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो सेपरेट हो चुके हैं अल्ट्रावायलेट लाइट देने पे, क्योंकि वो इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेन है तो हमें ऑरेंज कलर के जो डिफरेंट डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो हमें दिखेंगे। अब इनको जो है हम स्टैंडर्ड चार्ट के साथ कंपेयर करेंगे और हमारा जो डिजायर्ड डीएनए है आफ्टर कटिंग विद द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा है, हमें वो चार्ट से कंपेयर करने पे पता चलेगा, एंड देन व्हाट वी विल डू, we will take out our desired, we will cut the sample and we will take out the our desired DNA and that process it is known as elution, correct. So main point is me kya hai, jo DNA hai it is separated on the basis of their sizes, to iska matlab jitna chota DNA ka fragment hai wo itna hi aage move karega, jitna bada DNA ka fragment hai wo utna hi piche rahega, it will lag behind, right. So the separation is based on sizes, point number one, which is very important. Second, the stain which is used to observe and the orange color pattern is observed, that stain is known as ethidium bromide. And lastly, with the help of the process elution, hum apna desired DNA fragment jo hai usse yahan se nikal denge. So this is the gel electrophoresis. Now we will be discussing what are the five questions of previous last year of this topic, जो previous 10 साल इस ही छोटे से topic से 5 questions आ चुके हैं, it is very important, तो अब देखते हैं वो जो 5 question कौन से। Question number 1 जो 2020 में पूछा गया था, in gel electrophoresis separated DNA fragments can be visualized with the help of, ऑप्शन वन एसिटोकार्माइन इन ब्राइट ब्लू लाइट, ऑप्शन टू इथीडियम ब्रोमाइड इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ऑप्शन थ्री एसिटोकार्माइन इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और ऑप्शन नंबर फोर इथीडियम ब्रोमाइड इन इंफ्रारेड रेडिएशन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू, दैट इज इथीडियम ब्रोमाइड इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे जो पूछा गया था 2017 में, the DNA fragments separated on an agarose gel can be visualized after staining with
स्टेन का नाम पूछा गया है एंड द ऑप्शंस आर एसिटोकार्माइन, एनिलीन ब्लू, इथिडियम ब्रोमाइड और ब्रोमोफिनॉल ब्लू। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, इथिडियम ब्रोमाइड। सो ये जो स्टेन का नाम है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे मार्क करके ध्यान से जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन वाज अगेन आस्क्ड इन 2017। तो 2017 में इस टॉपिक के दो क्वेश्चन मिले हमें। व्हाट इज द क्राइटेरियन फॉर डीएनए फ्रेगमेंट्स मूवमेंट ऑन एगरोस जेल ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? ऑप्शन 1, द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज द फार्दर इट मूव्स। ऑप्शन 2, पॉजिटिवली चार्ज फ्रेगमेंट्स मूव टू फार्दर एंड। ऑप्शन 3, नेगेटिवली चार्ज फ्रेगमेंट्स डू नॉट मूव। और ऑप्शन 4, द लार्जर द फ्रेगमेंट साइज द फार्दर इट मूव्स। एंड द करेक्ट आंसर इज द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज द फार्दर इट मूव्स, ऑप्शन नंबर 1। द फोर्थ क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2013 में। डीएनए फ्रेगमेंट्स जेनरेटेड बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएसेस इन अ केमिकल रिएक्शन कैन बी सेपरेटेड बाय? ऑप्शंस आर रेस्ट्रिक्शन मैपिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफोरेसिस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करने के बाद द डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, ऑप्शन 4। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हिच वाज आस्क्ड इन 2011। एग्रोस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स फाइंड्स यूज इन? द डिफरेंट ऑप्शंस आर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, टिश्यू कल्चर, पीसीआर और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सीवीड से जो एग्रोस एक्सट्रैक्ट होता है इट इज यूज इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर।